हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द वेदांत एजुकेशन. दिस इज क्लास 12 साइंस. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम पढ़ रहे थे, उपसेसिव यौगिक योगिक हम पढ़ रहे थे. बहुत सारे लेक्चर्स हमने देखे, बहुत सारे चीज़ें हमने इसमें सीखी, और ये चैप्टर अब आपका ऑलमोस्ट फिनिशिंग लाइन के ऊपर आ चुका है. एक टॉपिक इसमें बचता है आपका, संकुलों में समवयता. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आपका सुना हुआ होगा, 11th क्लास में आपने थोड़ी सी समवयता पढ़ी हुई भी होगी, और थोड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट दोनों पर्सपेक्टिव्स के अंदर आप इस टॉपिक को देख सकते हैं. और देखिए, थोड़ा ध्यान रखना है इस टॉपिक को पढ़ते हुए, नहीं तो स्किप कर गया तो फिर आगे समझ में नहीं आने वाला है. ठीक है, समवयता जो है शब्द आपने 11th में सुना होगा, थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो आप उसको थोड़ा बहुत जज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, बाकी मैं समझा दूंगा. तो आपको डू नॉट टू वरी, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको समझ जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि भैया समवयता होती क्या है. ठीक है, या दो यौगिक आपस में समवयवी कब होते हैं. ठीक है, देखिए, आप कोई भी एक अणुसूत्र उठाइए, जैसे कोई भी आप अणुसूत्र लेते हैं, और उस अणुसूत्र को अगर आप दो अलग अलग संरचनाओं में बांट सकते हैं, दो अलग अलग संरचनाएं बना सकते हैं, तो दोनों अलग अलग संरचनाएं आपस में क्या होंगी, समवयवी होगी. और इस सारी परिघटना को हम क्या बोलेंगे, समवयता बोलेंगे. ठीक है, देखिए, यदि दो यौगिक जिनका अणुसूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन उनका संरचना सूत्र या त्रिविम व्यवस्था भिन्न हो तो उन्हें समावयवी तथा उन दोनों यौगिकों को क्या बोलेंगे, समावयवी, तथा इस परिघटना को समावयवता कहते हैं. क्या कहते हैं इस परिघटना को, समावयवता कहते हैं. सपोज कीजिए कि मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है X2B2C2, ये मेरे पास उसका फॉर्मूला है. ठीक है, अणु है मेरे पास, ये इसके दो स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं. स्ट्रक्चर क्या है कि मेरे पास एक्स, बी और सी कुछ इस टाइप से जुड़े हुए हैं एक में, और दूसरी संरचना में मेरे पास क्या है कि जो एक्स, बी और सी जुड़े हुए हैं उनका पैटर्न ये हो सकता है. यहाँ पे बी और बी सेम साइड में आ रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट साइड में आ रहे हैं. इसको बोलते हैं समपक्ष प्रकार और इसको बोलते हैं विपक्ष प्रकार. और ये दोनों संरचनाएं अलग हैं लेकिन इनका सूत्र एक जैसा ही है, इसलिए इसको हम, इन दोनों यौगिकों को हम क्या बोलेंगे, आपस में समावयवी बोलेंगे. और इस परिघटना को हमने समावयवता नाम दिया है. बात समझ में आती है. मैंने यहां पे दो शब्द लिखे, एक तो संरचना सूत्र या फिर उसमें त्रिविम व्यवस्था का अलग होना. आप देखिए, हमारे पास में ये जो एग्जांपल है इसके अंदर ये जो बी और सी है वो किससे जुड़े हुए हैं, एक्स से जुड़े हुए, और यहां पे भी क्या है, एक्स से जुड़े हुए हैं. लेकिन कोई भी यौगिक जो है उसके त्रिविम में एक संरचना होती है. मतलब यूं हमने ये वाला मॉलिक्यूल यूं रखा तो हम देखेंगे कि बी इधर है, सी इधर है, तो ये क्या है, त्रिविम व्यवस्था होती है, आकाशीय व्यवस्था होती है. तो या तो उसकी आकाशीय व्यवस्था बदल गई, आकाश में पहले बी ऊपर था, सी नीचे था, घुमा दिया बी नीचे और सी को ऊपर ले गए, इसको बोलते आकाशीय व्यवस्था. तो या तो उसकी संरचना भिन्न हो जाए या आकाशीय व्यवस्था, यहां पे आकाशीय व्यवस्था बदल के मैंने आपको समझाया है, संरचना के भी आगे एग्जांपल लेंगे. तो ये है आपस में समावयवी, और इस पूरी घटना को क्या बोलेंगे, समावयवता बोलेंगे. समझ में आया आपको, ठीक है, इसको बोलते हैं समावयवता. अब देखिए, समावयवता जो है वो दो टाइप से हो सकती है. समावयवता दो टाइप से हो सकती है बच्चों, दो टाइप से क्या होगी. पहला टाइप देखिए, पहला टाइप इसके अंदर होता है, यू कैन आस्क फॉर द फर्स्ट टाइप, इट इज संरचना समावयवता. ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. ओके, और दूसरा आप इसमें क्या कह सकते हैं, त्रिविम समावयवता.
ठीक है ना, ये है आपका स्ट्रक्चरल, ये है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मैं इनको इंग्लिश में एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। ये है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। समझ में आ रही है बात? तो ये दो टाइप्स हमारे पास में हैं और ये कैसे क्या होते हैं। सबसे पहले मैं लूंगा संरचना समवयता को, ठीक है। देखिए सबसे पहला मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, फर्स्ट ले रहा हूँ संरचना समवयता। समझना बात को, यदि समान सूत्र वाले यौगिक, कैडा सूत्र, कौन सा सूत्र, उनका अणु सूत्र, ठीक है ना, रासायनिक सूत्र, समान सूत्र वाले यौगिक की संरचना भिन्न है तो उन्हें आपस में क्या कहेंगे, संरचना समावयवी कहेंगे, ठीक है। यदि उनका सूत्र समान है, ठीक है, फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला यौगिक का सूत्र समान है लेकिन संरचना डिफरेंट है तो उन्हें आपस में क्या कहेंगे, संरचना समावयवी कहेंगे। फिर बोलेंगे कि यही बात हमने यहां की है, तो इनमें डिफरेंस देखिए क्या है। आप त्रिविम की बात करेंगे तो उसमें भी वही बोलेंगे कि मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ पे भी वही बोलेंगे कि मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों में क्या फर्क आ जाएगा। यहाँ पे संरचना समावयता में आप क्या कहेंगे, यहां संरचना में समूहों की आबंध की स्थिति, कैसी आबंध की स्थिति बदल जाती है, क्या बदल जाती है, आबंध की स्थिति बदल जाती है। लेकिन अगर आप त्रिविम समावयता में देखोगे तो बॉन्डिंग सिचुएशन नहीं बदलती है, आबंध की स्थिति नहीं बदलती है। जैसे आप यहां देखेंगे कि यहां पे देखो एक्स से बी और सी जुड़े हुए थे, अभी भी ये बी और सी इस एक्स से जुड़े हुए हैं लेकिन इनकी स्पेस में है ना आकाशीय व्यवस्था बदल गई है। तो संरचना समावयता है तब आकाशीय व्यवस्था नहीं बदलती, बॉन्डिंग सिचुएशन ही बदल जाती है, ठीक है ना। जैसे ये बी जो है वो इस एक्स के पास और ये सी इस एक्स के पास आ जाता तब उसको आप क्या बोलते हैं, संरचना समावयवी बोलते हैं, क्योंकि उस संरचना का डिफरेंस कैसे हुआ, उन समूहों के आबंध की स्थिति बदल जाती है। पहले किसी के साथ बॉन्ड बना के बैठे थे और फिर किसी और के साथ बॉन्ड बना लेंगे, इसको बोलते हैं उनके आबंध की स्थिति बदल जाना, और इसी को हम क्या कहते हैं, संरचना समावयता कहते हैं। और अगर उनकी त्रिविमीय व्यवस्था बदल जाए, आकाशीय व्यवस्था बदल जाए जैसे यहां हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिविम समावयता बोलते हैं। आगे चल के इसके बारे में हम बात करेंगे, अभी हम संरचना समावयता की बात करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो रासायनिक सूत्र अणु सूत्र समान हो लेकिन उसकी संरचना अलग अलग हो, संरचना समावयता है। संरचना अलग होने का अर्थ क्या है, उनके समूहों की आबंध की व्यवस्था बदल जाना, उनके आबंध जो बॉन्ड बने हुए हैं पहले किससे जुड़ा हुआ था फिर किससे जुड़ गया, इसी को हम बोलते हैं आबंध की स्थिति, और इसी को हम इंक्लूड करते हैं किसमें, संरचना समावयता में। बोलिए बच्चों समझ में आती है कि नहीं आती है बात, समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। अब इस संरचना समावयता के बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स, कौन कौन से हैं, एक एक अपन लेकर के चलते हैं। पहला है आयनन समावयता, ठीक है ना बच्चों। देखो फर्स्ट है हमारे पास में ए, ये है आयनन समावयता, देखिए समान सूत्र वाले यौगिक जो जलीय विलयन बनाने पर अलग अलग आयन देते हैं उन्हें आयनन समावयवी कहते हैं। उन दोनों को आपस में क्या बोलेंगे, आयनन समावयवी कहते हैं,
बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है ना, एक जनरल फॉर्मूला आपके सामने लिखता हूँ, जो क्या है मेरे पास, कोबाल्ट NH3 फाइव टाइम्स BrSO4, ठीक है, यह है समान अणुसूत्र। अब इससे देखो मैं कौन कौन से स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, और उन दोनों स्ट्रक्चर्स में मैं देखूंगा कि उनका जो आयन है क्या वाकई में वो अलग अलग आ रहा है। देखिए पहला स्ट्रक्चर जो है मेरे पास में, पहला स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, कोबाल्ट उसके साथ में क्या है, एमीन फाइव है और एक Br। कोबाल्ट का द्वितीयक संयोजकता कितनी होती है, 6, मतलब 6 लोन पेयर चाहिए, 5 इससे 1 इससे आ जाएगा, और बाहर मैंने क्या रख दिया, SO4। ये हो गया इसका समन्वय मंडल, ये हो गया इसका आयनन मंडल। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, कोबाल्ट NH3 5 टाइम्स और SO4 को मैंने अंदर की तरफ क्या ले लिया है, एज ए लिगेंड ले लिया है। अब आप देखिए यहाँ पर काउंटर आयन कौन है, प्रतिआयन कौन है, SO4 सल्फेट, और यहाँ पे कौन है, Br ब्रोमीन, ठीक है। अब देखो ये दोनों आपस में क्या है, आयनन समावयवी है। कैसे पहचाने, आप इनके आयनन करके देख लीजिए, इसका आयनन होगा, आयनन होगा, तो देखो यहां पे कॉम्प्लेक्स क्या है, देखना बच्चों, हमने बात की थी कि कॉम्प्लेक्स कभी नहीं टूटता है, कौन टूटता है, उसका आयनन मंडल टूटता है, और ये देखिए ये है आपका आयनन मंडल, ये हो गया 2- और ये पूरे पे क्या आ गया, 2+, ये हो गया इस वाले कॉम्प्लेक्स का, इस वाले यौगिक का आयनन हो गया जलीय विलयन में, इसका भी आयनन करके देख लेते हैं आयनन, ये वाला कॉम्प्लेक्स तो सेम रहेगा, सेफ रहेगा, कोबाल्ट एमीन कितने हैं, 5 एंड SO4, ये तो क्या है, कॉम्प्लेक्स के अंदर है, और बाहर काउंटर आयन कौन था, Br- और इस पे आ गया प्लस। अब आप देख सकते हैं कि इसने आयन क्या दिया, SO4 2- दिया, और इसने आयन क्या दिया, Br- दिया, जबकि फॉर्मूला दोनों का सेम है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं आयनन समावयवता, कि समान अणुसूत्र होते हुए भी कोई संकुल यौगिक क्या करे, जलीय विलयन के अंदर अलग अलग आयन देता हो, उसी को हम कहते हैं आयनन समावयवता कहते हैं। इसकी पहचान भी कर सकते हो आप बच्चों, इसकी पहचान भी कर सकते हो, ठीक है, पहचान कि भैया इसके अंदर मुक्त आयन कौन है, इसका आयन कौन है, प्रतिआयन या काउंटर आयन कौन है, इसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है क्या, BaCl2, तो ये क्या देता है, BaSO4 के सफेद सफेद अवक्षेप देता है। अब बच्चों हमें मालूम है कि हम क्या डाल रहे हैं उसमें, BaCl2, ये तो हमें मालूम है, और हमें मालूम है कि बेरियम जो है केवल सल्फेट के साथ सफेद अवक्षेप देता है, हमने BaCl2 डाला और डालते अगर सफेद अवक्षेप आ रहे हैं, इसका मतलब क्या था, पहले से SO4 उसमें उपस्थित है, जो Ba के साथ में मिलकर के BaSO4 बना रहा है, श्वेत अवक्षेप दे रहा है, तो हमें क्या कंफर्म हो गया कि ये जो कॉम्प्लेक्स था उसमें SO4 फ्री पड़ा है, काउंटर आयन है, बाहर की तरफ है। अब इसमें देखेंगे कि बाहर की तरफ कौन है, इसमें मैंने क्या ऐड करना है, इसमें देखिए इसमें मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, कौन ऐड कर दिया, AgNO3 ऐड किया, ठीक है ना, इसमें AgNO3 ऐड किया, तो ये क्या देता है, हल्के पीले अवक्षेप, जो किसके हैं, AgBr के, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसमें क्या किया, AgNO3 की कुछ ड्रॉप्स ऐड की, तो इसके अंदर क्या हुआ, हल्के पीले अवक्षेप आने शुरू हो गए, तो हमें मालूम है कि Ag तो हम डाल ही रहे हैं, ये रहा, और Br के साथ ही क्या देता है, हल्के पीले अवक्षेप देता है, तो जरूर यहाँ पे Br क्या है, काउंटर आयन या मुक्त आयन है, तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ तो क्या है, सल्फेट मुक्त आयन है, यहाँ पे क्या है, Br मुक्त आयन है, तो आयनन में आयन अलग अलग आ गए, इसी को हम क्या कहते हैं, आयनन समावयवता कहते हैं, हमने पहचान कर ली है उसकी, सेम फॉर्मूला आयन अलग अलग देते हैं, इसी को हम आयनन समावयवता कहते हैं। बोलो बच्चों समझ में आती है कि ये बात, बहुत सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल सी कहानी है, ये हुई आयनन समावयवता। अगली अपन इसके अंदर लेके चलते हैं, अगली देखिए क्या है, नेक्स्ट है इसमें हाइड्रेट समावयवता, बी
हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों? जल के अणु होते हैं, ठीक है। समान यौगिक, समान अणुसूत्र वाले यौगिक जो समन्वय मंडल तथा आयनन मंडल में अलग अलग जल के अणु दर्शाता है को हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। अगर इसके आयनन और समन्वय मंडल, आयनन मंडल कौन सा होता है? जैसे इसमें देखिए, ये आयनन मंडल है, ये क्या है? समन्वय मंडल। तो ऐसा है कोई एग्जांपल, देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं, आई एम राइटिंग एग्जांपल। अणुसूत्र, अणुसूत्र देखिए, मैंने लिखा CrCl3.6H2O, ठीक है। ये मैंने अणुसूत्र लिखा, इसका पहला स्ट्रक्चर देखिए मैं कैसा बना सकता हूँ। पहला स्ट्रक्चर मैं इसमें बना सकता हूँ कि मेरे पास जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हैं वो कहाँ हैं? समन्वय मंडल के अंदर आ गए हैं, और ये Cl3 क्या हो गया? बाहर आ गया, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर मैं इसमें बना सकता हूँ, क्या बना रहा हूँ कि इनमें से कोई भी एक जल का अणु जो है वो बाहर चला गया और एक Cl अंदर की तरफ आ गया। तो देखो ये, अब ध्यान देना, इसके समन्वय मंडल में 6H2O है और आयनन मंडल में नहीं है, इसके समन्वय मंडल में 5 है और आयनन मंडल में 1H2O है, ठीक है। अब तीसरा, इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बच्चों? देखो CrH2O 4 times Cl2 और बाहर Cl.2H2O। अब आप जरा देखिए कि यहाँ पे समन्वय मंडल में 6, आयनन में 1 भी नहीं, यहाँ समन्वय मंडल में 5, आयनन में 1, यहाँ समन्वय मंडल में 4 और आयनन में 2। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेट समावयवता बोलते हैं, कि इन तीनों के आयनन और समन्वय मंडल में आप H2O को कंपेयर करेंगे तो ये क्या होंगे? तीनों अलग अलग जल के अणु दर्शाते हैं। और इसको आप आइडेंटिफाई करना चाहें तो देखो, अगर ऐसी कंडीशन है कि सभी के सभी कहाँ होंगे? समन्वय मंडल में जल के अणु चले जाएंगे तो बैंगनी रंग दर्शाता है, लेकिन अगर समन्वय मंडल में 5 और आयनन मंडल में 1 चला जाएगा तो वो कैसा रंग दर्शाता है? नीला, नीला हरा रंग दर्शाता है। और अगर 4 समन्वय में और 2 आयनन में चले जाएंगे तो ये क्या देता है? गहरा हरा रंग देता है, ठीक है। तो रंग से आप ये पहचान सकते हैं कि ये जो आपके पास फॉर्मूला है CrCl3.6H2O, इसमें तीन पॉसिबिलिटी हमारे पास बन रही है कि आयनन और समन्वय मंडल में जल के अणुओं को आप कैसे बदल सकते हैं। 6 के 6 समन्वय में, 5 समन्वय 1 आयनन में, 4 समन्वय 1 2 आयनन में। तो तीन समावयवता हमने बनानी है, तीन समावयव बनानी है। ये क्या है? हाइड्रेट समावयवी है। इनका रंग अलग अलग आता है बच्चों, सिंपल सी अलग आएगा क्योंकि हमारे पास ये क्या है? लिगेंड बदल रहा है। यहाँ देखो 6 एक्वा लिगेंड थे, 5 एक्वा 1 क्लोराइडो, 4 एक्वा और 2 क्लोराइडो। लिगेंड बदलते हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉन जो है डी के अंदर उनकी व्यवस्था बदलेगी तो रंग भी बदलता चला जाता है, क्योंकि डी ट्रांजिशन की वजह से रंग आता है। तो ट्रांजिशन बदल जाएगा लिगेंड की प्रबलता या लिगेंड की संख्या या प्रकार के आधार पर, ठीक है। तो हम यहाँ पे हाइड्रेट समावयवता पढ़ रहे थे, समान अणुसूत्र लेकिन समन्वय और आयनन मंडल में जल के अणु, हाइड्रेशन के अणु क्या है? अलग अलग है। इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। बोलो समझ में आती है कि नहीं आती है बात? और इसको पहचानने के लिए आप क्या कह रहे हैं कि भैया हमने इसको रंग के आधार पर इसको पहचान लिया है, ठीक है। क्या समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, आगे बढ़े, नोट डाउन कर लो। और बहुत सी सामान्य बात अपन कर रहे हैं ना, इसमें नॉर्मल सी बात हो रही है, ज़्यादा लोड तो नहीं पड़ रहा है तो आप लोगों के दिमाग पे नहीं पड़ रहा है ना लोड? हाँ, पढ़ना भी नहीं चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? पंचर हो जाएगा दिमाग तुम्हारा। लोड नहीं पड़ना चाहिए, नोट डाउन कीजिए आप, इसको नोट डाउन करो। और जो बच्चे नोट डाउन साथ के साथ नहीं कर पा रहे हैं वो पॉज करके नोट डाउन करते चले, ठीक है। उसके बाद देखिए बंधक समावयवता की हम बात करते हैं, ठीक है ना। बंधक समावयवता, थर्ड
नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचना में तीसरी है बंधक समावयवता। सी इसको बोलते हैं लिंकेज। देखो जब कोई उभयदंतुक लिगेंड संकुल में उपस्थित हो तो उसे तो वह क्या कर सकता है, तो वह बंधक समावयवता दर्शाता है। तो इसकी पहली शर्त क्या है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स है, जो यौगिक है, उसमें एक उभयदंतुक लिगेंड होना चाहिए। ठीक है, पहले अपन इस पे बात करते हैं। देखो साइनाइड CN माइनस, यहां पे जो आपका लोन पेयर का दाता कौन है, ये कार्बन है। और ऐसा ही केस हम ये बोलें कि भैया अगर ऐसा हो तो क्या फॉर्मूला बदल रहा है, क्या लिगेंड बदल रहा है? यस, लिगेंड बदल रहा है। क्यों? क्योंकि इस लिगेंड के अंदर कार्बन डोनर है और इसमें नाइट्रोजन डोनर। आप बोलेंगे फॉर्मूला सेम है, फिर लिगेंड कैसे बदल रहा है? बच्चों यही क्या है, उभयदंतुक लिगेंड है, मतलब ऐसा जिसके एक से ज्यादा प्रकार के दांत हो, कोई से भी दांत से काट सकता है। देखो इसके पास दांत यहाँ पे कार्बन से काट रहा है और यहाँ पे नाइट्रोजन से काट रहा है। तो ऐसे लिगेंड जिनमें एक से ज्यादा प्रकार के दाता परमाणु हो, यहाँ पे कौन सा परमाणु दाता है, कार्बन, और यहाँ पे कौन है, नाइट्रोजन। ऐसे केस में ये क्या कर सकता है, या तो ये कार्बन से डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, या तो क्या कर सकता है, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। आप बोलेंगे कि वो कैसे डिसाइड करें, वो आपको जैसे आप रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उस पर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज्यादा आयनिक यौगिक से रिएक्शन करा रहे हैं तो उस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, कार्बन, और जैसे मान लीजिए आपने कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया तो एक तो आपने कॉम्प्लेक्स किससे बनाया, AgCN से रिएक्ट करके बनाया, और एक आपने KCN से रिएक्ट करके बनाया। तो जब आप AgCN से रिएक्ट करके बनाओगे तो वहां पे क्या होगा, ये NC इस प्रकार का लिगेंड काम में आएगा, और इसमें क्या आएगा, CN इस प्रकार का लिगेंड काम में आएगा। इसके पीछे भी लॉजिक है, वो आपको 10th चैप्टर एल्किल हैलाइड्स के अंदर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, हम वहां पे बात कर लेंगे। कुल मिलाकर के आपको यहाँ पे उभयदंतुक लिगेंड समझाना मेरा मकसद था। ठीक है, तो अब अपन आगे बात करते हैं कि भैया जो बंधक समावयवता है ये कौन दर्शाते हैं, वो दर्शाएंगे जिनके अंदर उभयदंतुक लिगेंड होना चाहिए। चलिए मान लेते कि है हमारे पास उभयदंतुक लिगेंड, फिर ये होती क्या है ये वाली समावयवता। तो देखिए मैं लिखता हूं, यदि समान सूत्र वाले यौगिकों में उभयदंतुक लिगेंड अपने भिन्न भिन्न दाता परमाणु से जुड़ा हो तो वह बंधक समावयवता है। ठीक है ना, जो आपका उभयदंतुक लिगेंड है वो अलग अलग दाता परमाणुओं से जुड़ा हुआ हो उसको हम बंधक समावयवता कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जैसे मैंने कहा कि भैया क्रोमियम है, इसके पास एमीन तो कितने हैं, 5, और एक साइनाइड और एक Cl3। ठीक है ना, और दूसरा है आपस में ये दोनों समावयवी हैं, तो दूसरा इसी का फॉर्मेट मैं लिखता हूँ, एमीन वही 5 है, लेकिन यहाँ पे जो उभयदंतुक लिगेंड है उसकी स्थिति देखिए मैंने बदल दी है। अब आप देखिए उभयदंतुक लिगेंड वही साइनाइड मैंने ले लिया है, तो इसको बोलते हैं साइनाइड, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, या नाइट्रोजन जुड़ रहा है यहाँ पे, कार्बन जुड़ रहा है। ठीक है, तो उभयदंतुक लिगेंड का जो बंधन है, बॉन्डिंग है, दाता परमाणु है, वो कौन सा काम आ रहा है, अलग अलग काम में आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम बंधक समावयवता। हालांकि फॉर्मूला दोनों का सेम आएगा, आप फॉर्मूला करके देखिए, एक CN है, एक CN है, 5 NH3 5 NH3 CR CR 3 CL और ये 3 CL।
ठीक है। अब आप इसमें ये कहें कि सर ज्यादा समझ में नहीं आया, आप इसका नाम लिख के देखिए, आपको और भी समझ में आएगा। अगर नाम में फर्क आ रहा है इसका मतलब वो दोनों आपस में समावयवी है। नाम में फर्क है, सूत्र समान है, तो नाम में फर्क क्यों है? संरचना के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे संरचना के हिसाब से हम इनका नाम लिखते हैं कि कौन बाहर है, कौन अंदर है, कौन कैसे बैठा हुआ है, CN बैठा है कि NC बैठा है। देखो इसका नाम लिखोगे पहले तो ये तो न्यूट्रल हो गया, इसका -1 होता है तो -1, ठीक है। बाहर क्या है? Cl3, 3 माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 प्लस, तो 3 प्लस, और एक अंदर क्या है? -1 बाहर, तो ये बाहर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस का चार्ज? देख के बताओ बच्चों कितना चार्ज हो जाएगा? +4, हालांकि Cr का +4 नहीं होता है, तो हम थोड़ा सा इस पर एग्जाम्पल अपने मनमर्जी के एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो थोड़ा सा बदलाव मैं इसमें कर दूं क्योंकि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो गड़बड़ हो रही है। अब देखो, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +3 हो गई, ये -2 है तो कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स क्या हो गया बच्चों? +2, ये Cn-1 बाहर जाएगा तो +1 हो जाएगा, +2 +1 कितना हो जाएगा? 3rd। अब इसका नाम लिखिए, देखो ये क्या है? एमीन, तो कितना है? पेंटा एमीन, हिंदी में लिखूं क्या? चलिए हिंदी में लिख देता हूं मैं, इंग्लिश में लिखने की आदत डालो। ये है पेंटा, 2 बार M, ये फंस जाते हैं बच्चों, ध्यान रखना, इसमें फंसा देता है एग्जामिनर अपने को। पेंटा एमीन साइनाइडो, ठीक है। फिर कौन है? क्रोमियम, 3rd क्लोराइड, ठीक है। और इसके नाम में देखिए क्या है, वही ऑक्सीडेशन स्टेट तो वही आएगी क्योंकि ये भी क्या है? -1 है, तो इसमें देखो वही पेंटा एमीन आइसोसाइनाइडो, गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ रहा है? आइसोसाइनाइडो देन क्रोमियम 3rd, Cl क्या है? सॉरी क्लोराइड, क्लोराइडो लिखूं क्या यहां पे? यहां पे क्लोराइडो लिखूं क्या? नहीं, क्योंकि ये क्या है? प्रतिआयन है, बाहर है, तो ये सिंपल नाम आएगा, सिंपल नाम आ रहा है, ठीक है ना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। तो अब देखो नाम अलग है, पेंटाएमीन साइनाइडो है और ये पेंटाएमीन आइसोसाइनाइडो है, दोनों बच्चों अलग अलग हैं, दोनों आपस में बंधन समावयवी हैं, क्योंकि दोनों के अंदर उभयदंतुक लिगेंड साइनाइड और आइसोसाइनाइड जिनका सूत्र समान है वो दोनों आ रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे बंधक समावयवी बोलेंगे, समझ में आ रही है बात? अगर यहाँ पे कोई भी लिगेंड ऐसा होता जो उभयदंतुक नहीं है तो ऐसा आप नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लिंक जो है, जो लिगेंड ने लिंक बना रखा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, वो लिंक के आधार पे आप बंधक समावयवता यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बंधक समावयवता जनरेट हो रही है दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर। समझ में आ गई क्या बात आपको? समझ में आ गई क्या? आप सभी समावयवियों के अंदर अगर आपने अंतर समझना है तो आप उनका नाम लिख करके देख सकते हैं कि अंतर उसमें जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बोलो समझ में आई क्या? तो ये 3 समावयवता किसकी हो गई? हमारी संरचना की समावयवता हो गई है। अब हम आगे चलते हैं 4th, जिसको हम बोलते हैं उप सहसंयोजन समावयवता। उप सहसंयोजन समावयवता का मतलब क्या है और किस में वो आएगी, कैसे आएगी? D4th, पहली बात तो वे यौगिक जिनमें धनायन व ऋणायन दोनों संकुल होते हैं, संकुल हैं, वे यह समावयवता दर्शाते हैं।
क्या जरूरी है इसमें होना कि आपके पास संकुल जो यौगिक है उस यौगिक के अंदर धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल प्रकार के होने चाहिए। देखो हमने पहले पढ़ा था संकुल के वर्गीकरण में हमने क्या कहा था कि भैया हो सकता है कि आपका जो धनायन है वो संकुल हो, कॉम्प्लेक्स हो और ऋणायन सामान्य हो। जैसे ये एग्जांपल है इसमें देखो ये तो संकुल क्या है कॉम्प्लेक्स है ये तो टूटेगा नहीं और ये क्या है नेगेटिव है ना तो ऋणायन सामान्य है। कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसमें संकुल क्या होता है नेगेटिव होता है और सामान्य धनायन पाया जाता है और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल की फॉर्म में होते हैं। उस टाइप के एग्जांपल्स के अंदर क्या होती है उपसह संयोजन समावयवता दर्शाते हैं। ठीक है तो हमें पहला पॉइंट क्या समझ में आया कि ऐसे यौगिक जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों ही क्या हो संकुल के रूप में हो वे ही क्या करेंगे उपसह संयोजन समावयवता दर्शाएंगे। अब अपन इसके अंदर डेफिनेशन देते हैं कि जब भी क्या हो यौगिक में धनायन और ऋणायन आपस में क्या करते हैं लिगेंड का एक्सचेंज कर लें, जब समान सूत्र वाले यौगिक अपने धनायनिक व ऋणायनिक संकुल में लिगेंड का आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं तो उसे उपसहसंयोजन समावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको उपसहसंयोजन समावयवता कहते हैं। कब कहते हैं जब वो कॉम्प्लेक्स कैटायन है ना धनायनिक संकुल और ऋणायनिक संकुल वो दोनों क्या करते हैं आपस में लिगेंड को एक्सचेंज कर लें तो उसको ही हम क्या कहते हैं बताइए क्या कहते हैं उपसहसंयोजन समावयवता कहते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है कोबाल्ट ऐसे और क्रोमियम ऐसे 6 times ठीक है। ये हमारे पास में क्या है एक संकुल है और ये यौगिक है ठीक है पूरा। अब इस यौगिक में आप जरा गौर कीजिए कि इस यौगिक के अंदर हमारे सामने क्या है कि इस वाले संकुल में क्या है एमीन लिगेंड है और इस वाले में क्या है सीएल लिगेंड है ठीक है। अब आप पहले तो ये देखिए कि इस पे चार्ज कौन सा और इस पे चार्ज कौन सा है। पहले तो आप क्या कर लो बच्चों इन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लो ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था। ये एक यौगिक है बच्चों ठीक है ना, इसका समावयवी मैं बनाऊंगा। ऑक्सीकरण अवस्था में देखो ये एक्स हो गया प्लस आपके पास एमीन कितना होता है 0 × 6 हो जाएगा ठीक है, प्लस ये एक्स हो जाएगा निकालना है ना क्रोमियम का भी, सीएल का कितना होता है -6 हो गया इक्वल्स टू 0 तो एक्स कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, आप करके देखना ठीक है। इसका मतलब ये वाला जो संकुल है देखो टोटल जो आपके पास धातु है उसके ऊपर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई कोबाल्ट और क्रोमियम पे दोनों पे +3 + 3 आ गई। तो अब अपन क्या करते हैं संकुल के ऊपर कैसा चार्ज है उसको देखते हैं। अब अगर यहाँ पे ये वाला जो कोबाल्ट क्या है +3 है ठीक है, इस वाले संकुल में ये कोबाल्ट अगर +3 है बच्चों तो ये तो न्यूट्रल है तो इसका पूरा चार्ज किसके बराबर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स के चार्ज के बराबर हो जाएगा ठीक है। ये मैं इसका समावयवी नहीं लिख रहा हूं बच्चों, मैं क्या लिख रहा हूं इनके धनायन और ऋणायन को बता रहा हूं कि दोनों ही क्या है संकुल में। तो देखो ये भी क्या है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, यहां देखो ये +3 है ठीक है, ये +3 है ये -6 है तो टोटल क्या हो जाएगा इसका -3 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा बच्चों ये हो गया -3 ये हो गया ऋणायन। तो ये हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके अंदर धनायन और ऋणायन दोनों क्या है कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है। कैसी फॉर्म में है कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है संकुल के रूप में है। समझ में आ रही है कि इतनी बात बच्चों इतनी बात समझ में आ रही है क्या, मतलब ये पहली शर्त तो ये पूरी कर रहा है ये एग्जाम्पल कि ये दोनों क्या है एक धनायन भी कॉम्प्लेक्स है और दूसरा ऋणायन भी कॉम्प्लेक्स है। अब मैं बात कहता हूं कि भैया आगे क्या है, आगे इसमें क्या कर दूं मैं आदान प्रदान कर दूं, आदान प्रदान करूंगा तो देखो हमारे पास कोबाल्ट को तो मैंने क्या दे दिया क्लोराइडो और जो क्रोमियम है उसको क्या दे दिया मैंने एमीन।
जरा देखो ये दोनों आपस में क्या हो गए, समावयवी हो गए, ये और ये आपस में समावयवी हो गए। नाम आप इसका लिख सकते हो, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि भैया कैसे ये आपस में समावयवी हैं। इसका नाम मैं लिखूं, इस यौगिक का नाम देखो, इसका नाम क्या है, इस वाले का नाम लिखोगे तो पहले हमारे पास क्या है, हेक्सा एमीन, ठीक है, कोबाल्ट। क्या इसमें मैं कोबाल्टेट लिखूं क्या बच्चों? नहीं, क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। देखो हमने कैलकुलेट किया था कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, थर्ड आ रही है, ठीक है। फिर इसका नाम आ जाएगा, इसमें कौन है लिगेंड, हेक्सा, हेक्सा क्लोराइडो, हेक्सा क्लोराइडो। फिर कौन है बताओ, इसमें क्रोमियम करूं या क्रोमेट करूं? क्रोमेट करना है, क्योंकि इस वाले संकुल पे क्या है, माइनस है, तो क्रोमेट और क्रोमियम की भी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, थर्ड। इसका नाम तो ये आ गया। और इसका नाम अगर आप लिखेंगे ना बच्चों, तो देखो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। इसका नाम क्या है, अब यहां पे देखो, हेक्साक्लोराइडो। अब ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, देखो यहाँ पे प्लस थ्री कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाली है और माइनस सिक्स इसकी है, तो प्लस थ्री माइनस सिक्स कॉम्प्लेक्स किया जाएगा माइनस थ्री, तो ये क्या है, हेक्साक्लोराइडो, हेक्साक्लोराइडो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट थर्ड। फिर इसका आ जाएगा हेक्साएमीन, हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड। बोलो बच्चों बात समझ में आती है क्या? तो ये था हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड, हेक्साक्लोराइडो क्रोमेट था, और ये क्या है, हेक्साक्लोराइडो कोबाल्टेट है, ठीक है। तो दोनों ने क्या कर लिए हैं, लिगेंड एक्सचेंज कर लिए हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, उपसह संयोजन समावयवता कहते हैं। ऐसा कब पॉसिबल हो रहा है, जब आपका धनायन और ऋणायन दोनों ही क्या है, संकुल है। ये हमने पहचान की है बच्चों, ये कुछ नहीं है, ये हमने सिर्फ पहचान की है कि क्या एक धनायन कौन सा है और ऋणायन कौन सा है, क्योंकि नाम लिखने में हमें जरूरी है पहचान। क्योंकि नाम लिखोगे जब एट भी तो लगाना है ना नेगेटिव वाले पे, तो हमें नेगेटिव पता है कि ये है, जब तो क्रोमेट किया था इसमें, अब नेगेटिव ये हो गया तो कोबाल्टेट कर दिया, समझ में आ गया। तो एक ये और एक ये दोनों यौगिक हैं, ये दोनों आपस में उपसहसंयोजन समावयवी हैं, क्योंकि इन्होंने क्या कर लिया है, लिगेंड का एक्सचेंज कर लिया है, सूत्र समान है, लिगेंड का एक्सचेंज कर लिया है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बहुत सिंपल सी कहानी है ना। चलो आगे बढ़े बच्चों, यह हो गया फोर्थ, अब अपन फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ होता है लिगेंड समावयवता, ठीक है। देखो जी, लिगेंड समावयवता क्या होती है, नाम से हमें थोड़ा इसका आइडिया लग रहा है कि लिगेंड समावयवता का मतलब है कि ऐसा उपसहसंयोजक यौगिक, संकुल यौगिक, जिसके लिगेंड में स्वयं में क्या हो, समावयवता हो। ई पांचवा देखिए, लिगेंड समावयवता, वे संकुल यौगिक जिनका सूत्र समान है, समान है, तथा लिगेंड में स्वयं की समावयवता तो उसे लिगेंड समावयवता कहते हैं। क्या हुआ यहां पर, हम ये कह रहे हैं कि भैया ऐसे यौगिक हैं जिसके अंदर सूत्र तो समान है, लेकिन लिगेंड में खुद में ही क्या है, समावयवता है। भैया अब अगर लिगेंड में समावयवता होगी तो लिगेंड का नाम बदल जाएगा, लिगेंड का नाम बदल जाएगा तो पूरे संकुल का नाम बदलेगा, संरचना बदलेगी, तो उसमें समावयवता जनरेट हो जाएगी। देखो मैं एग्जाम्पल देता हूं, समावयवी लिगेंड, पहले मैं लिगेंड दे रहा हूं बच्चों, समावयवी लिगेंड का एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक है मेरे पास कुछ इस टाइप से, दूसरा है मेरे पास कुछ इस टाइप से, एंड थर्ड वन विच आई हैव इज लाइक दिस। अब देखो ये तीन है मेरे पास, इसको मैं क्या बोलूंगा,
2-क्लोरोफेनिल, ठीक है ना, इसको बोलूंगा 3-क्लोरोफेनिल, इसको बोलूंगा 4-क्लोरोफेनिल। आर यू गेटिंग द पॉइंट? देखो नाम बदल गए हैं, क्या नाम बदले हैं, इसको 2-क्लोरोफेनिल, 3-क्लोरोफेनिल एंड 4-क्लोरोफेनिल। ये लिगेंड है बच्चों, ये क्या है, केवल और केवल लिगेंड है। तो लिगेंड समानता के लिए आपको क्या चाहिए कि पहले आप उसमें ये देखें कि लिगेंड में खुद में अगर समावयवता है तो उसको आप लिगेंड समावयवता कहते हैं। और लिगेंड में खुद में समावयवता आप देख रहे हैं कि ये सबका सूत्र एक जैसा है। देखो इनका, इसका सूत्र क्या है, C6 कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, C6 हाइड्रोजन कितने होते हैं, कार्बन पे एक होता है, तो 1, 2, 3, 4 का हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया तो हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया तो हाइड्रोजन नहीं है, तो टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, C6H4 और एक Cl, ये है इसका फॉर्मूला। इसमें भी वही 6 कार्बन है ना, और देखो 1 और 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड है तो वही 4 हाइड्रोजन है और एक Cl है। इसमें भी क्या है, वही कार्बन 6 है, H4 और Cl है। तीनों लिगेंड का फॉर्मूला सेम है और तीनों के नाम अलग अलग हैं, मतलब लिगेंड में खुद में समावयवता है। तो ये जिस भी सूत्र में, जिस भी यौगिक में, ठीक है ना, जिस भी यौगिक में आएंगे उसमें समावयवता दर्शाएंगे, और उस समावयवता को हम क्या बोलेंगे, लिगेंड समावयवता। अब मैं आपको दो एग्जांपल ऐसे दे देता हूं जिनके अंदर, दो तीन एग्जांपल ऐसे दे देता हूं जिनके अंदर ये लिगेंड बैठे हैं, और इनसे हम ये समझ सकते हैं कि उसमें लिगेंड समावयवता उपस्थित है। ठीक है क्या? देखिए बच्चों, पहला एग्जाम्पल है क्रोमियम का ही मैं ले रहा हूं। देखिए वही चीजें रिपीट हो रही है, इसलिए आप ज़्यादा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। C6H4Cl कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे। देखो ये मंझला ब्रैकेट लगाया है मैंने बच्चों, ध्यान देना, ये मंझला ब्रैकेट लगाया है, तो अंदर जो ब्रैकेट लगे हैं उनसे घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है, क्योंकि हमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो बड़ा ब्रैकेट देखना है, ये वाला बड़ा ब्रैकेट देखना है, क्योंकि ये क्या बताएगा, इस यौगिक का संकुल का हिस्सा है और ये इसका प्रतिआयन है। इसमें ये मंझला ब्रैकेट इसको समझाने के लिए है कि भैया ये एक ही है, और ये सी एल के आगे ब्रैकेट में इसको क्यों लिखा है, क्योंकि ये बता रहा है कि सी एल कौन सी पोजिशन पे है, सेकेंड पोजिशन पे है। ठीक है, तो देखो अब इसके अंदर ये लिगेंड था और इस लिगेंड में खुद में समावयवता है। अब देखो इसी का समावयवी मैं दिखता हूं, क्या करूंगा मैं, इस लिगेंड के अंदर समावयवता को बदलूंगा तो पूरे यौगिक की समावयवता बदल जाएगी। देखो मैंने क्या कर दिया, जो सेकेंड पोजीशन पे Cl था उसकी जगह लिगेंड ऐसा ले लिया, उसमें Cl कहां आ गया है, थर्ड पोजीशन पे आ गया है, ये देखिए थर्ड पोजीशन पे ये वाला मैंने जोड़ दिया। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, इसका ऐसा एग्जाम्पल लूँ, ऐसा लिगेंड लूँ जिसके अंदर फेनिल ऐसा लूँ जिसके अंदर क्या है, जो हमारा लिगेंड है, ठीक है, उसमें खुद में Cl कहाँ लगा हुआ है, फोर्थ पोजीशन पे लगा हुआ है, यू सी, ये रहा। ठीक है क्या, अब देख सकते हैं आप इन तीनों, ये तीनों क्या हैं, आपस में समावयवी हैं, ये तीनों आपस में समावयवी हैं, और इन तीनों के अंदर क्या है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड 2-क्लोरोफेनिल, 3-क्लोरोफेनिल एंड ये क्या है, 4-क्लोरोफेनिल है। ठीक है, तो इनके नाम आप देख सकते हैं, इसके नाम में आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखते जाइए, इसमें देखो ये क्या है, 2-क्लोरोफेनिल है, तो ये तो बाद में आएगा, ये पेंटा एमीन उदासीन है बच्चों, ये वाला है ना, पेंटा एमीन 2-क्लोरोफेनिल और क्या है, क्रोमियम 3 माइनस तो 3 प्लस 3 प्लस, ये दोनों उदासीन, तो किसका हो जाएगा, क्रोमियम का, तो थर्ड, और बाहर क्या है, क्लोराइड। ठीक है, इसमें क्या है, वही पेंटा एमीन अब क्या आ जाएगा, 3-क्लोरोफेनिल हो गया। देखो लिगेंड का हमने समावयवता बदल दी है, तो ये दोनों आपस में समावयवी हो गए। ठीक है, अगेन वही क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ओके। यहां पे भी क्या है, देखो पेंटा एमीन
अब यहाँ पे कितना है, चार नंबर पे है, तो फोर क्लोरोफेनिल, कितना आ गया, फोर क्लोरोफेनिल, और क्रोमियम वही थर्ड पे है, वही इसमें भी क्या है, क्लोराइड है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस लिगेंड की वजह से इन तीनों के अंदर समावयता आ रही है। इस समावयता को हम क्या बोलेंगे, लिगेंड समावयता बोलेंगे, कि जब लिगेंड में खुद में ही क्या आ जाए, समावयता आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड समावयता बोलते हैं। बोलो बच्चों, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात, है ना, समझ में आ गई क्या बात। ओके चलो जी, लास्ट इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट देखते हैं, छठा, ठीक है, पांच तक हो गए, सिक्स्थ देखते हैं। ये होती है उपसह संयोजन स्थान समावयता। क्या नाम है इसका, इसका नाम है उपसह संयोजन, उपसह संयोजन स्थान समावयता। देखो बच्चों, पहली बात तो इसमें शर्त होती है कि जब सेतु लिगेंड उपस्थित हो तो यह समावयता प्रदर्शित होती है। अब देखिए इसमें क्या होगा, जब भी कोई आपका संकुल यौगिक है समान सूत्र वाला, उसमें संरचना सूत्र में लिगेंड का बंधन जो है वो अलग अलग हो जाए, यदि समान सूत्र के यौगिक में संरचना सूत्र में लिगेंड का बंधन भिन्न हो तो उसे उपसह संयोजन स्थान समावयता कहते हैं, ठीक है, उपसह संयोजन स्थान समावयता कहते हैं। अब देखिए जरा, मैं एग्जांपल लेता हूं इसके अंदर, वो दो सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूं, देखिएगा जरा, NH3 4 टाइम्स CO, इट इज हैविंग NH2, ये आपके पास सेतु लिगेंड है बच्चों, है ना, ये क्या है, सेतु लिगेंड, कौन, एमीन, सिंपल वाला एमीन और ऑक्साइडो, ये ओके, ये हो गया हमारे पास एक एग्जांपल, ठीक है ना। और दूसरा एग्जांपल आप अगर देखते हैं तो मैं क्या कर रहा हूं, अब इस लिगेंड को इस लिगेंड से बैलेंस करने की कोशिश करता हूं, देखिए जरा, ठीक है, यहां से मैंने क्या किया, NH3 को 3 और 1 Cl कर दिया और इधर ले आया मैं उसको, यहां से 4 NH3 में से एक इधर ले गया, तो इधर 3 और इधर 3 हो गए, ये लीजिए, और इधर से 1 Cl को ले आएगा इधर, ठीक है। तो यहां देखो ये बैलेंस नजर आ रहा है क्या, नहीं है ना, क्योंकि इधर Cl है और इधर केवल NH3 है, तो इसको बोलते हैं असममित, ठीक है ना, यहां पे बैलेंस है, देखो बैलेंस है पूरा, इसको बोलते हैं सममित। तो आप ये देखेंगे कि जो हमारे पास में उपसह संयोजन स्थान समावयता है उसमें सममित और असममित रूप बनते हैं। जो सेतु है आपके पास संकुल में, उस सेतु के दोनों तरफ में अगर आप देखेंगे तो बैलेंसिंग होना जरूरी है। बैलेंसिंग जब होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सममितता बोलते हैं। तो एक यौगिक में तो क्या आएगा, बैलेंसिंग होगी तो उसमें तो सममितता आ जाएगी, और दूसरा क्या होगा, जिसमें बैलेंसिंग नहीं है वो असममित रहेगा। तो ये असममित है और ये सममित है, और ये सब क्यों हुआ, इन सेतु लिगेंडों की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो आप यहां क्या समझ सकते हैं कि यह है उपसह संयोजन समान समावयता स्थान समावयता, जिसके अंदर क्या है, सममित और असममित रूप बने हैं, और यह सब किस वजह से हुआ है, इस सेतु की वजह से। यह जो आपके पास में ब्रिजिंग लिगेंड है, इनकी वजह से। आप इसमें ब्रिजिंग लिगेंड के लेफ्ट साइड में देखोगे तो NH3 3 और 1 Cl लिगेंड है, और इधर भी क्या है, NH3 3 और 1 Cl लिगेंड है, तो यह सममित हो गया और यह असममित है,
ठीक है, तो इसी को बोलते हैं उपसह संयोजन स्थान समाव्यता। तो इसके साथ आपका संरचना समाव्यता पूरी होती है और नेक्स्ट क्लास में हम इसमें त्रिविम समाव्यता लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।